अपन बड़ा बड़ा इतने में राकेश है 0710 है वो के बड़ी देर से ये कंप्लेंट फ्लोट हो रही थी कि ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, इनके पास लाइसेंस नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इनको जब ये ट्रायल के लिए आते हैं, जो एप्लीकेंट्स ट्रायल के लिए आते हैं, जो पास हो जाते हैं उनको तो मैं अलाउ करता हूँ, जो फेल हो जाते हैं उनको मैं कहता हूँ कि तब तक आपने ये रिक्शा नहीं चलाना है जब तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि जो भी गाड़ी जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट 7500 किलोग्राम से नीचे है वो LMB पे चल सकता है, लेकिन कोई 3-4 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोर्ड ने इसको एक पर्टिकुलर क्लास रख लिया है कि ई रिक्शा सिर्फ ई रिक्शा एक क्लास ऐड कर दी है। ई रिक्शा का लाइसेंस जिसके पास नहीं होगा वो ई रिक्शा नहीं चला सकता। उसी के दौरान आज हमने सुबह से नाका लगाया हुआ है, 7 ऑटोज को हमने सीज किया, 7 ई रिक्शा सीज किए जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और उसमें से एक माइनर चला रहा है, एक माइनर है जिसकी अभी उम्र 18 साल भी नहीं है। ये बड़ा सीरियस इशू है। रही दूसरी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ई रिक्शा इधर हमारे वर्दी ट्रांसपोर्ट कमीशन, हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर ने भी मुझे डायरेक्ट किया था ई रिक्शा को चेक करो, इसलिए हमने परसों हफ्ते हमने स्कूल बसेस का रखा था, 2 स्कूल बसेस सीज की जो भी 2 डॉक्यूमेंट चल रही थी, आज हमने 7 ई रिक्शा को सीज कर लिया। इसके लिए मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से भी मैटर टेकअप किया था कि हम डीलर्स को, मैंने कहा आप ही एक चिट्ठी लिख लो डीलर को कि ई रिक्शा, उन्होंने कहा कि हमने खैर थोड़ी से मैटर टेकअप किया है, ई रिक्शा ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपको पता ही है ये रिक्शा ना जो ये डीलर्स एंड रजिस्ट्रेशन है, आपके पास पैसे हैं आप ई रिक्शा खरीदने डीलर के पास जाएंगे, डीलर से आपने ई रिक्शा लिया वो नंबर भी उसने लगाना, रजिस्ट्रेशन डीलर एंड भी है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने अश्योर किया कि फाइल ऊपर मूव हो चुकी है, विद इन डेज इनको सभी को परमिट्स लग जाएंगे, या परमिट लग जाएंगे फिर मेरे लिए भी इसी हो जाएगा, इनको अलग अलग रूट दे देंगे उस पर भी चलेंगे। बाकी मुहिम आज की यही थी कि जो बिना लाइसेंस चल रहा है, आपके सामने मैंने 7 ऑटोज को सीज किया ई रिक्शा को, और ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। उम्र भी नहीं है, बोली है।